राम राम ताऊ। यहाँ के करण आया है तो स्कूल क्यों ना गया? अरे स्कूल तो जा ही रहा हूँ ताऊ, लेकिन यार वो साइकिल खटारा पंचर हो जा रही है बार बार। तो अब क्या करना है? तो एक बाइक दिला दो ना। हाँ अभी दिलवाऊंगा तेरे को हेलीकॉप्टर। जा रहा नहीं जा रहा? अरे यार इस कार को भी अभी खराब होना था। आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है, मैं तो लेट हो जाऊंगी। ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है। भैया इसको कितना टाइम लगेगा? 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे इसमें। 2 से 2.5 घंटे? यार अरे ये तो लग रही है मेरे स्कूल की लड़की है। इसको कभी नहीं देखा मैंने, शायद इसका फर्स्ट डे होगा। लगता है इसकी कार खराब हो रखी है। एक काम करता हूँ, जाके इससे पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी। यस। आप शायद ABS स्कूल में पढ़ते हो? हाँ उसी स्कूल में पढ़ती हूँ, और आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है और ये गाड़ी खराब हो गई। इफ यू डोंट माइंड आप मेरे साथ चल सकते हो। आपके साथ? हाँ मैं चल सकती हूँ। भैया मैं इसके साथ चली जाती हूँ, आप गाड़ी ठीक करवा कर घर ले जाना। भाग 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 ना। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? ज्योति। और तुम्हारा? रोहित। कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हारा? 11th B कॉमर्स। अरे वाह मेरा भी सेम क्लास और सेम सब्जेक्ट। वाह फिर तो मजा आएगा पढ़ाई करने में। तुम्हारे दोस्त है स्कूल में? नहीं यार मेरा कोई दोस्त नहीं है। और मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तो आज से हम दोनों फ्रेंड्स। ठीक है। अरे भाई यार तुम ये बता रहे थे कि नई लड़की आने वाली है कोई? आने तो वाली है। कब आएगी? वो अभी तक तो नहीं आई। आने वाली नहीं है भाई, आ गई है। और देखो बात करते करते स्कूल कब आ गया पता ही नहीं चला। ठीक है चलते हैं क्लास। हाय आई एम सागर। हाय आई एम ज्योति। आप स्कूल में नए आए हो? हाँ आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है। ओके कोई परेशानी हो तो बता देना, स्कूल हमारे फादर का ही है। वाओ ये स्कूल तो मेरे फादर का है? जी। फिर तो बहुत सही रहेगा। ओह शिट बैल लग गई। चलो क्लास के बाद मिलते हैं। हाँ पक्का। ओ यार यहाँ के कैंटीन में कितना टेस्टी खाना मिलता है। हाँ वो तो है।
भाई वो लड़के तो उसके साथ बैठी हुई थी, तुमसे क्या सेट होगी फिर? क्या मतलब भाई? मतलब ये देख, वो आई उसके साथ, बैठ उसके साथ रही है, खा उसके साथ रही है, और घूम भी उसके साथ ही रही है। तेरे को बोला था ना क्लास के बाद मिलने के लिए, तो उससे मिली? नहीं मिली ना, तो क्या सेट होगी भाई? कोई नहीं, एक बार छुट्टी हो जाने दो, फिर इसका सिस्टम बिठाते हैं। चल देखते हैं क्या करता है तू, फिर क्लास में चलते हैं। ये कैसे हो गया ताऊ? उठो उठो, ताऊ दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं बेटा, लेकिन हाँ है तो सही दर्द। ये क्या हो गया आपको ताऊ, और कौन थे ये लोग? अरे वो कुछ नहीं बेटा, वो तो मेरे दोस्त थे। लेकिन ये कैसे दोस्त हैं आपके? अरे बेटा दोस्त हर तरीके होते हैं ना, लेकिन हाँ तुझसे एक विनती है कि ये बात किसी को बताना मत, और अगर किसी को पता चल गया ना तो बेइज्जती हो जाएगी, और खासकर रोहित को तो पता चलनी ही नहीं चाहिए। अगर उसे पता चल गई ना तो उसका ध्यान फिर पढ़ाई में नहीं लगेगा। ठीक है ताऊ जी। देखो वो लोग निकल रहे हैं, तुम्हें पता है ना क्या करना है? काम होने के बाद शाम को मिलते हैं काकू की दुकान पे। हाँ यार वो तो है ही ना, सीन ऐसा है कि वो तो ही जाता है। अरे ज्योति, मेरे होते हुए तुम पैदल जा रहे हो? वो आज सुबह आते हुए ना स्कूल गाड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा रोहित के साथ चली जाती हूँ। रोहित के साथ? बताना है। हाँ ज्योति, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा ठीक है, फिर एक काम करते हैं, हम वेगस मॉल में मिलते हैं। ठीक है ज्योति, सी यू देयर। ठीक है, बाय। तो भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। देख भाई, मुझे लगता है ना वो तेरे को लाइक करती है। नहीं मोनू, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता। अबे यार तू सोच, देख अगर वो तेरे को लाइक नहीं करती तो आज के टाइम पे किसी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि वो तेरे को कॉल करके तेरा हालचाल पूछे, तेरे ख्याल रखे। हाँ यार, बट देख ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तू उसे पसंद करता है ना?
हाँ तो बस सारी चीजें छोड़ और एक अच्छा सा रेड रोज लेके जा और उसे प्रपोज कर दे, फिर देख। ठीक है भाई। भाई लाश को ठिकाने लगा दिया है और इसने बहुत मदद करी है। तुझे कितनी बार बोला है नए बंदे को धंधे में लगाने से पहले मुझसे मिलवा दिया कर। किसी भी नए बंदे पर हम इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते, समझा? सॉरी भाई, अब से नहीं होगा। इसकी लाश भी ठिकाने लगा। जी भाई। रोहित, मैं तुम्हें कुछ बताने वाली थी। मैं और सागर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मैं चाहती थी कि मैं सबसे पहले ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को बताऊं, इसलिए मैंने तुम्हें बताई। और तुम भी कुछ बताना चाह रहे थे ना, बताओ। अरे रोहित, तुम्हारे हाथ में गुलाब, तुम क्या प्रपोज करने वाले थे ज्योति को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सागर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रोहित, तुम अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है ना तो उसको निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें कोई पसंद वसंद नहीं करती हूँ और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुमसे मैंने 2 मिनट बात क्या कर ली हंस के, तो तुम इसको प्यार समझ बैठे। अपनी औकात तो देखो, तुम्हारा और मेरा लेवल बिल्कुल मैच नहीं करता है, स्टैंडर्ड देख के बात किया करो। और हाँ, एक और बात, पहले जब तुम्हारा लेवल हो जाए ना उसके बाद आना मेरे पास। और रोहित, अपना स्टैंडर्ड देखो और सागर का स्टैंडर्ड देखो, उसकी लुकिंग देखो और अपने आप को देखो। ज्योति, शायद इसका दिमाग खराब है, शायद इसके दिमाग में यही था ये तुम्हें प्रपोज करने वाला था। रोहित, जो तुम्हारे ताऊ ने मेरे पापा से पैसे उधार लिए ना, पहले तो वो लौटाओ। कब तक औरों के पैसों पे जिंदगी बिताओगे? उधारी चुकाई नहीं जा रही है और आए नवाबजादे गुलाब लेकर मुझे प्रपोज करने। पैसे लिए मतलब? मतलब ये, मैं बताती हूँ, तुम्हारे ताऊ को मेरे पापा ने थोड़े दिन पहले उधार दिए पैसे। और तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा, उस टाइम पहले तो मेरे पापा ने ना 2-4 लोगों को बेच के ना तुम्हारे ताऊ को पिटवाया भी था। अरे बेशर्मी की भी हद होती है, इतने तो बेशर्म मत बनो। कब तक दूसरों के कर्जों पे चलोगे? नहीं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में, शायद ताऊ जी को याद नहीं रहा होगा बताना। उधारी तो चुकाई नहीं जा रही है, चल चलिए। मित्रा ने कुड़िए आजमाया, शिकवे दे नाल कुड़िए की काला जादू पाया, गानी दे नाल दस दे की कीता सोनी है मेरे दिल दे नाल। ताऊ जी, मुझे सच सच बताओ, ये चोट आपको कैसे लगी है? अरे बेटा, वो तुझे मैंने बताया कि मैं अकेले। अरे कब तक झूठ बोलोगे ताऊ? आप ये क्यों नहीं कह देते कि आपको कुछ लोगों ने पीटा क्योंकि आपने उससे पैसे उधार ले रखे हैं? अरे बेटा, मैं तेरे को बताने ही वाला था। बताने वाला क्या था, आपने बताया क्यों नहीं मुझे? अरे बेटा, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें घर में परेशान हो जाएगा, और मैं तुझे किसी तरह से परेशान नहीं करना चाहता था। तेरा टाइम अभी पढ़ने का है, तू पढ़ और पढ़ाई में मन लगा अच्छे से। वो सब तो ठीक है ताऊ, लेकिन आपका बेटे जैसा हूं ना मैं, और आपके अलावा है कौन मेरा यहाँ? वो सब छोड़िए, आप अपना ध्यान रखिए, मैं पैसे इंतजाम कर लेता हूँ, चाहे मुझे जॉब करनी पड़े चाहे कुछ करनी पड़े, मैं सारे कर्ज चुका दूंगा उस, आप टेंशन मत लो। और वो सरपंच है, और सरपंच ने ना मेरे ताऊ को बहुत मारा, और वो जो ज्योति है ना, वो सरपंच जी की बेटी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, तो टेंशन मत ले, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास, तो चल मेरे साथ। ताऊ, आप एक काम करो, आप सरपंच जी को फोन करके यहाँ बुलाओ। लेकिन क्यों? अरे ताऊ, आप बुलाओ तो। चल ठीक है। हाँ भाई रामलाल, कैसे बुलाया? वो सरपंच जी, वो बात ये है ना कि ताऊ जी जो आपसे उधारी पैसे लिए थे ना, वो लौटा रहे हैं, तो ताऊ जी आप इन्हें पैसे दे दो। ये लो सरपंच जी। पूरे हैं ना? पूरे हैं, गिन लीजिए आप। चलो ठीक है, हिसाब बराबर हो गया, चलते हैं। रुकिए सरपंच जी, अभी एक हिसाब बाकी रह रहा है। कैसा हिसाब? ये बाकी रह गया था।
अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मेरे को एक बात बता कि ये तेरे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? पैसे आए कहाँ से? तो तुम्हें है पैसों की जरूरत? जी भाई मुझे ही चाहिए। तो क्या गिरवी रखना चाहते हो तुम? सोना चांदी घर के पेपर कुछ है तुम्हारे पास? नहीं सर, इनमें से मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, बट हाँ मैं कसम से बोल रहा हूँ मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सॉरी, ऐसे तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। देख यार, ये भी मेरा अच्छा दोस्त है और इस टाइम इसको पैसों की जरूरत है, तो देख ले अगर तू थोड़ी बहुत कुछ हेल्प कर पाए तो इसकी। भाई देख, तुझे तो पता ही है इस धंधे का, बिना कुछ लिए तो मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है सर, मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, बट ये मेरी 10th की सर्टिफिकेट है, आप इसे देख लो। 10th की सर्टिफिकेट? चलो ठीक है, ये भाई अपना पुराना जानकार है और तुम मुझे अच्छे इंसान लगे इसलिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अरे बताता क्यों नहीं है? अरे छोड़ो ना ताऊ, आ गए ना पैसे, मैं जॉब करता था वहीं से पैसे आ गए, बहुत सारे पैसे एडवांस में ले लिए थे और इसी वजह से पैसे लौटा दिए उनके। अरे इतनी जल्दी जॉब से पैसे कैसे आ सकते हैं? आप ये सब छोड़ो ना, अब चलो घर। कुछ महीनों बाद सरकार ने किसानों को दिया मुआवजा। किसानों को मिलेंगे वो सारे पैसे जो उन्होंने ब्याज के रूप में सरकार को दिए थे। रोहित, रोहित। हाँ जी ताऊ। मुझे ना तुझसे एक काम है, तो जल्दी से मेरे साथ चल। क्या काम है ताऊ, बताओ ना। अरे मैं तेरे को बता दूंगा, तू चल तो सही मेरे साथ। चलो ठीक है। भाई इतने गुस्से में क्यों हो? वही हुआ जिसका मुझे डर था। ये कैसे हुआ भाई, उसको तो हमने मार दिया था। वो सब मुझे नहीं पता, जो भी हुआ गलत हुआ। और तुम एक काम करो, उसको लाओ पकड़ के मेरे सामने, समझे? जी भाई। और याद रहे, उसको मौत नहीं देनी है। जी भाई। उसको मौत मैं दूंगा अपने हाथों से। जी भाई। कहाँ लेके जा रहे हो ताऊ? अरे तू सवाल बहुत करता है, चल तो सही तू मेरे साथ। ये देख। हायाबुसा सुपर बाइक, ये किसकी है? किसकी है क्या मतलब? ये तेरी बाइक है। मेरी बाइक है? लेकिन ये कब हुआ? कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब छोड़, ये समझ ले कि ये बाइक तेरी है। थैंक यू सो मच ताऊ। अरे बस बस, अब तू यहाँ बातें ही बनाता रहेगा या चला के भी देखेगा? ठीक है ताऊ, मैं जाता हूँ, अब इसे रोला काट दूंगा। सुपर बाइक है। अरे ये तो रोहित है। वाओ रोहित, तुमने सुपर बाइक ले ली, कांग्रेचुलेशन यार। थैंक्स। बाय द वे, आज सागर नहीं आया? वो एक्चुअली मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, बहुत गंदा लड़का है। क्यों ब्रेकअप क्यों कर लिया, इतना प्यारा लड़का था वो। यार वो एक्चुअली बस ऊपर ऊपर से कोशिश करता था अच्छा बनने की, बट अंदर से ना वो बहुत बुरा इंसान है। ओह चलो, जैसा तुम्हें सही लगे। वैसे रोहित ये सब छोड़ो, क्या हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हैं? थोड़े टाइम पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इससे मेरी सॉरी भी हो जाएगी और तुम मुझे माफ़ भी कर देना। इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम डेट पे चल सकते हैं? एक बात बोलूं ज्योति, कल तक मेरे पास साइकिल थी, मेरे ताऊ जी उधार ले रखे थे, तब तक तो तुमने ये सब बात नहीं बोली। आज मेरे पास सब कुछ आ गया तो तुम भी आ रही हो। नहीं रोहित, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो स्टार्टिंग से ही तुम्हें बताना चाहती थी, पर वो क्या है ना, मौका ही नहीं मिला मुझे कभी अपनी फीलिंग्स बताने का। एक बात बोलूं ज्योति, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, और अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। और यही हुआ, और आज से तुम अपने रास्ते और यादव जी अपने रास्ते। सो द मुसेला बेबी, शो मर्सी ऑन इट। रोहित रोहित आओ, कुछी बंदे आ तो सोने आ, कहते मौत तो हसी ने कोई ना,
भाई ये किसको ले आया? भाई आपने जिसे उठाने के लिए बोला तो वही तो है ये। अबे ये चंपू रागा नहीं है, ये रागा के हम शक्ल जैसा कोई है। तुझे लग रहा है किसी भी एंगल से रागा? आखिर रागा है कहाँ? कौन है? कहां कहां से आ जाते भिखारी? क्या दिक्कत है तेरे को? अबे कौन है तू? क्या काम है तेरे को? राधा तुम जिंदा हो? हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लेट आई है और रीज़न ये था कि मैं कोई क्लास करने लगा था, वहाँ बिजी हो गया था मैं, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगी, उसकी टेंशन नहीं है। बाकी अभी तक आपने वीडियो देखी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, और जो जो नए उस चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे इंस्टाग्राम की आईडी ये रही, जाके प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लेना, वीडियोज़ की सारी अपडेट वहीं मिलेगी आपको। बाकी जय हिंद जय भारत।